के हमारे घर के यहीं पे है ना भैया। आप लोग देख रहे हैं हम जा रहे हैं अभी स्नान करने और संगम में, तो अभी चलते हैं नहाते हैं। यहाँ पे आप पीछे की बोर्ड देख रहे हैं वहाँ पर हैं जल विभाग की पुलिस, और वो यहाँ पे काफ़ी सारे बोट्स हैं जो चक्कर लगाया करते हैं, इसमें पुलिस बैठी हुई होती है। और दोस्तों एक बात बता दूँ, यहाँ पर एक ऐसा बोट आया है, जहाज़ लाया गया है कलकत्ता से जहाज़ आया है, बहुत बड़ा है, उधर गया है तो हो सकता है वो आपको देखने को मिले, क्योंकि मैंने देख चुका हूँ, बहुत ही बड़ा है यार। और इधर आप देख रहे हैं यहाँ पर एक लोहे का जहाज़ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है यार। यार इनको हाय हाय यार, ये तो यार काटने को भी नहीं तैयार है। आप लोग देख रहे हैं हम आ चुके हैं संगम में, और ये आप यहाँ पे देख रहे हैं ये है गंगा जी, और यमुना जी का पानी इतनी तेज़ यहाँ पे नहीं चल रहा था, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए गंगा जी का पानी कितनी तेज़ है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा लग रहा है संगम में आके। और यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है तो आगे जाने नहीं दे रहे हैं, तो ये देख लीजिए यहाँ पे देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा सीन लग रहा है यहाँ पे संगम में। फर्स्ट टाइम मैं आया हूँ, और आप भी आइए, कुंभ का मेले का मज़ा लीजिए, काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे आगे जाने नहीं दे रहे हैं, तो बात कर रहे हैं कि हमारे घर के लोग हैं तो इनको घुमा देते हैं। तो आप पीछे वहाँ पे देख रहे हैं वहाँ पे संगम है, और संगम का कुछ अवशेष इधर भी है, और काफ़ी तेज़ यहाँ का पानी है। देख रहे हैं यहाँ पे मेरा दोस्त बैठा हुआ है, यहाँ पे नहाने से पहले पूजा अर्चना हो रही है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है, अभी नहाएंगे हम भी, और काफ़ी अच्छा लग रहा है यार। कुंभ के इस पावन अवसर पे मुझे गंगा जी के संगम में नहाने को मिल रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। हाथ नीचे
आप लोग देख रहे हैं मैंने यहाँ पे डुबकी लगा ली है और हम बहुत ही अच्छी जगह पे हैं बीचों बीच संगम में, और यहाँ पे पानी काफ़ी कम है और आगे बहुत तेज है और ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही है यार। दोस्तों बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर गंगा जी में स्नान करने। हमारे भैया जी भी साथ में हैं, वो भी नहा रहे हैं और हमारा टाइम हो चुका है यहाँ पे लगभग। मैंने यहाँ पे 20 मिनट तक यहाँ पे स्नान किया, काफ़ी अच्छा लगा। और दोस्तों भाई ने वीडियो बनाया है तो वो दिखाएंगे। मैंने काफ़ी ज़्यादा बहुत ही डुबकी लगाई, जाड़ा तो जरूर लग रहा है लेकिन जो मज़ा आ रहा है मैं आपको बता नहीं सकता। तो दोस्तों कुंभ में जरूर आइए। तो हमारे भैया जी अलीगढ़ से यहाँ पे आए हुए हैं पूरा लगभग 2 घंटों से हम लोग। अमित राठी और भैया जी का नाम है अमित राठी। हम लगभग 2 घंटे से बोट पे साथ में थे और साथ में स्नान भी कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है। दोस्तों हमारा दोस्त अनूप भाई भी है यहाँ पे नहा रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये इधर गंगा जी हैं जिस पर हम लोग भी नहाए हैं। यहाँ पे काफ़ी जगह कम है, ये देख लीजिए। और उधर जो है यमुना जी हैं, ये देख लीजिए। वो उस पार जो दिखा रही हैं, जो वो इधर जो धारा चल रही है और उसके उस पार जो है वो यमुना जी हैं। और ये हमारे मोहित भाई जी नहा रहे हैं और ये भैया जी आए हैं। दोस्तों यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है, पानी काफ़ी ठंडा है और काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे। दोस्तों पानी का बहाव भी काफ़ी तेज है, ठंडी तो बहुत ज़्यादा हो रही है लेकिन जो नहाने में मज़ा है, मैं तो यहाँ पे लगभग आधे घंटे तक नहाऊंगा, बहुत ही मज़ा आ रहा है यार। 15 मिनट में निकलना है यहाँ से यार, सूट के जो में। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये जो मेला है वो 6 साल बाद आता है। अगर आप यूपी या आपको संगम कैसा लगा, कैसा नहा के कैसा लगा आपको? सर बहुत बहुत अंदर तक की खुशी। तो हम लोगों ने तो उम्मीद ही छोड़ दिया था कि हम लोगों को नहाने को मिलेगा संगम में, क्योंकि तो काफ़ी ज़्यादा हाई अलर्ट जारी है, काफ़ी सिक्योरिटी लगी हुई है। तो बहुत ही अच्छा समय है कि हम लोगों को यहाँ पे नहाने को मिला और हम लोग काफ़ी देर तक नहाए, लगभग आधा घंटा तो नहाए थे। और इतनी ठंडी हो रही तब भी मन ही नहीं मान रहा था, घर में 1 बाल्टी नहाते 2 बाल्टी, लेकिन यहाँ पर तो इतना गंगा जी में नहा के बहुत ही अच्छा लगा। तो दोस्तों आप भी कुंभ का मेला जरूर घूमिए और गंगा जी के स्नान जरूर करिए, काफ़ी आपके जितने भी कष्ट हैं वो दूर हो जाएंगे। और हम लोग अभी तिलक लगवा के बस जा रहे हैं, जहाँ से हमें भाई जी ने छोड़ा था वहीं पे, जहाँ से उठाया था वहीं पे जा रहे हैं। फिर चलते हैं आगे, फिर दिखाते हैं आगे का सीन। काफ़ी अच्छा लगा हो, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, हो सके तो हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।